आने लायक नहीं हो। Guys, welcome back to my channel. I hope all of you are extremely fine. तो आज है 24th April, Friday. वैसे तो ये वाला vlog जो है वो कल से शुरू हो चुकी है. ये basically एक DIY video होने वाला था, complete DIY video होने वाला था. But कल जब मैं ये video शुरू की तो मेरे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट जो मैं कर रही थी वो फेल हो गया, वो नहीं हुआ सही से, तो नहीं बन पाए ये कम्प्लीटली DIY. तो बट फिर भी हम लोगों ने एक बनाया है कुछ, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी. तो बेसिकली ये इस ब्लॉग में पता नहीं मैं ज़्यादा कुछ रखूंगी कि नहीं, बट आई विल ट्राई टू एंटरटेन यू गाइज. तो मैं आपको दिखाती हूँ कल मेरे साथ क्या हुआ. Before that, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and press the bell button and follow me on Instagram. So without any further ado, let's start the video. तो actually आज मैं एक DIY video बनाने वाली थी और बनाना शुरू भी कर दी थी, but वो बहुत ही खराब हो गया. फिर हम ये सब कर रहे हैं. ये मैं बचपन में एक दो बार की थी, बलून को यान से रैप करके मैं ये बड़ा वाला बना रही हूँ. I'm planning to do a makeup video on Ritali. So what I'm planning is I'll do a makeover of Ritali. फिर मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ. आप कमेंट करके बताना. मैं अपना हालत सोच सोच के मुझे हंसी आ रही है. वैसे मैं एक बात बताऊं, सब बोलते हैं आप क्यों अपने पति को नहीं लाते हो अपने व्लॉग में. मैं बोल बोल के थक गई हूँ. ये इंसान जो है ये आते नहीं है कैमरा के सामने, पता नहीं क्यों. आज बड़े मुश्किल से आए हैं क्योंकि मेरा वीडियो पहले पूरा फेल हो गया. मैं मुड़ अप करके बैठी थी तो मुझे चेयर अप करने के लिए ये सब है. वैसे आप लोग घर पे बैठ के ऐसा कुछ क्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हो क्या? कर रहे हो तो डू लेती. तो ये तीन बलून रेडी हो गया है, एक ग्रीन कलर, एक येलो कलर, एक रेड कलर का. तो DIY वीडियो फेल होने के बाद ये तीसरा वाला कुछ बना है, बट मैं इसको पूरा DIY वाला वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये नॉर्मल वाला ब्लॉग ही रहेगा. इवनिंग को मैं बना रही थी जब, और दो दो DIY फेल हो गया तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया. मैं और कुछ मूड में ही नहीं थी कुछ करने के लिए, मैं जाके बेड पे सो गई. दिलीप ने मुझे समझा के लाए, बोले कि चलो कुछ करते हैं. देन वी डिड दिस. दिखने में बहुत अच्छा लगता है बट है नहीं. यू कैन सी मेरा घर कितना भी यहाँ पे ना हर जगह फेविकॉल ये सब मेसी हो गया है, बहुत मेसी हो गया है. मुझे अभी ये सब को साफ करना है और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा जो DIY फेल्ड हो गया उसका थोड़ा बहुत लुक कैसा है अभी. तो ये है मेरा टेबल जहाँ पे बैठ के मैं यहाँ पे सेटअप बनाई थी, मैं यहाँ पे DIY बना रही थी. ये बलून बन गई है बट इसको ओवरनाइट रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा फेविकॉल चिपका हुआ है तो वो सूखने में टाइम लगेगा. तो अभी मैं जा रही हूँ ये सब साफ करूँगी, डिनर भी बनाऊँगी. तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ कल सुबह. व्लॉग कल सुबह फिर से कंटिन्यू होगा. फॉर नाउ गुड नाइट, बाय बाय. आई थिंक ये काफ़ी ड्राई हो गया है और अभी मैं बलून को फोड़ सकती हूँ. आई थिंक इसको हम यहाँ पे हैंग कर दिए हैं एक डबल टैप के साथ और ये मैं अपने किचन के डोर के सामने इसको हैंग कर दिया हूँ. हमारे घर को एक अच्छा लुक दे रहा है, अच्छा कलर आर्ट. तो एक चीज बोलूंगी, अगर आप ये ट्राई करने वाले हो अपने घर पे और जो यान है उसको अच्छे से फेविकॉल के एक कॉन्सेंट्रेट बना के उसमें अच्छे से डिप करके ये बनाना, और हो सके तो यान के जगह पे ना जूट का जो
थ्रेड आता है वो यूज करना, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो, यार्न इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। ये था हमारा जो डीआईवाई हम बनाए थे कल, ये बेसिकली बहुत सिंपल सा था। ये ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीक फिर से एक डीआईवाई वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज डीआईवाई इज समथिंग आई रियली लव टू डू। मैं जा रही हूँ लंच बनाने, क्योंकि टाइम इज 12:30 नाउ। मुझे मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक डिश बनाना शुरू किया है, एंड ये वाला रेसिपी जो है ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी। तो इसको बनाने के बाद मुझे मशरूम का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं लास्ट 2-3 हफ्ते से ये वाला डिश कंटिन्यूसली बना रही हूँ, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू गाइस, सो दैट यू नो आप लोग भी बना सकते हो, काफ़ी ईजी है। और ये वाला डिश का ना मैं फिश वाला वर्जन भी बना चुकी हूँ, we can try that also. So without wasting any time, let's go to kitchen. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम बाटी बसा, जो कि एक उड़िया ट्रेडिशनल डिश है। और इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक पैकेट मशरूम, जिसे मैं पहले छोटे छोटे पीस में चॉप कर दूँगी। देन आई विल प्रिपेयर द मसाला, एंड फॉर मसाला मैं ले रही हूँ कुछ गार्लिक, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड एंड 1 स्पून ऑफ जीरा, एंड फिर मैं इसका एक अच्छा फाइन वाला पेस्ट बना लूँगी। सो द पेस्ट इज रेडी नाउ, नेक्स्ट आई विल कट सम वेजिटेबल। Then I will start the final process by adding everything into a pan. फाइनली मैं फ्लेम ऑन करूँगी एंड पैन को एटलीस्ट 15 मिनट के लिए बिना खुले छोड़ दूँ। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, और मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, मतलब वही सेम काम कर करके घर पे बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। देन आई थॉट कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ। मैं सोची कि ये वाला व्लॉग जो है एंड करने से पहले मैं इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ। देन आई थॉट I will chop my hair to experiment something with my look. अगर मैं कुछ experiment करती हूँ अपने look पे, तो शायद थोड़ा you know mood अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा feel होगा। तो ये सोच के मैं कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं काटूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा ही काटूँगी। ऐसे तो ये जो बाल को ना मैं ऐसे आगे लाके इसको चेंज माई लुक। और नीचे का जो मैंने ट्रिम किया है वो कुछ पता नहीं चल रहा है, आई थिंक मैंने बहुत ही कम ही किया है। तो या दैट्स माई न्यू लुक। तो ऑनेस्टली सेइंग आज का ब्लॉग में मुझे ये सब करने का कोई प्लान नहीं था पहले से, बट आई होप मैं आप लोगों को आज ज़्यादा बोर नहीं की होंगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
इसको यहीं पे ही ख़त्म करते हैं विथ माई न्यू लुक. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक देन गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्रेस द बेल बटन. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. That's it. Stay home, stay safe, and enjoy this lockdown. I'll see you guys in my next vlog. Stay tuned. Bye-bye.